मध्य प्रदेश में इंदौर सहित 22 जिलों में एमएसएमई मंत्रालय एक साल में 37 क्लस्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये क्लस्टर अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर के होंगे, जिनमें लगभग 1,288 करोड़ की पूंजी का निवेश होगा। सरकार द्वारा लॉन्च किए जा रहे इन 37 क्लस्टरों में 3,000 उद्योग स्थापित होंगे, जिनमें मध्य प्रदेश में लगभग 2,37,000 लोगों का अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा ने बताया कि प्रदेश में 4 क्लस्टर ने काम शुरू कर दिया है। अगले 3 महीनों में 15 क्लस्टर और काम शुरू कर देंगे। यह पहली बार है जब प्रदेश के 22 जिलों के औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए एक साल में 37 क्लस्टर लॉन्च होंगे। इंदौर रीजन में 6 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। सकलेजा ने बताया कि इन क्लस्टर में 3,000 नए उद्योग स्थापित होंगे, जिनमें 63,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,50,000 को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 37 क्लस्टर में से इंदौर में 6 क्लस्टर लॉन्च किए जाएंगे। इन 6 क्लस्टर में लगभग 585 नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें लगभग 18,300 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। इंदौर में विकसित हो रहे 6 क्लस्टर में लगभग 1,020 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश होगा। बताया जा रहा है कि 13 मई को स्टार्टअप लॉन्चिंग के साथ ही इंदौर में सीएम 2 क्लस्टर को भी लॉन्च कर सकते हैं।